आने वाले समय में चुनावी समर शुरू हो गया है और देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है। इन्होंने बहुत कुछ वादा किया था और उन वादों पर एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। ये केवल समाज में फिरका परस्ती की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। कभी इनके नेताओं से आप रोजी रोटी की बात नहीं सुने होंगे, कभी कुपोषण पर चर्चा ये नहीं करते हैं, कभी खेती किसानी पर चर्चा नहीं करते हैं। और आपको शायद बहुत लोग जानते होंगे कि इस देश में जो कुपोषण की प्रतिशत है, जो संख्या है, उसमें 43% कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। इस पर योगी जी चर्चा नहीं करते हैं, न कोई सुविधा देते हैं। साथियों, किसानों का जो मुद्दा है, खाद महंगी हो गई है, बीज महंगे हो गए हैं, कृषि उपकरण महंगे हो गए हैं और खाद में कमी कर दी गई है, बिजली महंगी हो गई है, इनके आवारा पशुओं से किसानों की जो दुर्दशा है वो आपसे छिपी नहीं। आप चले जाइए एक टिकिया दवाई लेने, कितनी GST देते हैं आप। आप चले जाइए साबुन खरीदने, आज खाने का तेल कितना महंगा है, डीजल और पेट्रोल की ऊंचाई कहाँ तक पहुंच गई है। और आपसे कहना चाहते हैं कि जरूरी चीज़ें जो हमारी आपकी दैनिक आवश्यकता की है, वो महंगाई चरम पर है। साथियों, ये सुविधाएं तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव राजपाल कश्यप, रामप्रसाद चौधरी राजपाल कश्यप, रामप्रसाद चौधरी राजपाल कश्यप, महेंद्र यादव जिंदाबाद। पिछड़े समाज के लोगों, चाहे निषाद समाज के हों, चौहान समाज के हों, राजभर समाज के लोग हों, या विश्वकर्मा समाज के लोग हों, पटेल समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, पीछे चाहे वो 14 का चुनाव रहा, चाहे 17 का चुनाव रहा, चाहे वो 2019 का चुनाव रहा, साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत गुमराह करने का काम इस पिछड़े समाज को किया था। कहा था हम सारे लोगों का खेत मिट्टी खलिहान पानी से नाता है। हम सारे लोगों को कहा था कि हमारी सरकार हमारी बागडोर होगी तो किसान की आमदनी दूना करने का काम करेंगे, और कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, कहा था 100 दिनों के अंदर काला धन वापस लाने का काम करेंगे, और कहा था 100 दिनों के अंदर महंगाई कम करने का काम। किसान भाइयों, नौजवानों, हम सारे किसान से ताल्लुक, इसमें 99% लोग किसानी से खेती बाड़ी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। कहां आपकी आमदनी दूना होने का काम हो, कहां 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, कहां 100 दिन के अंदर काला धन वापस आया, और कहां महंगाई 100 दिन के अंदर खत्म होने का काम हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब सिलेंडर का दाम 400 रुपए था तब सर पर सिलेंडर लेके घूमने का काम करते थे, आज 1000 पहुंच गया। आज पेट्रोल जो 57-58 रुपए डीजल था, आज वो पहुंच गया 100 के करीब। पेट्रोल जो 60-62 रुपए था, वो 100 के पार हो गया। कैसे किसान की आमदनी दूना होगी, जब चौधरी चरण सिंह ने कहा था किसान के खेतों से जब लागत कम होती है तब किसान की आमदनी दूना करने का रास्ता खुलता है। खेतों के आमने आपने देखा, चाहे खाद का दाम हो, कीटनाशक दवाओं का दाम हो, ट्रैक्टर हो, कल्टीवेटर हो, रोटावेटर हो, किस तरह से इस पर 18-28% GST लेने का काम सरकार कर रही है, कैसे किसान की आमदनी दूना होने का। इस नाते आज के समय कुछ ज्यादा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी को अपनी बात आपके बीच में रखना है। आपके तरफ से, अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आज के मौके पर हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं। फिर आगे हमारी आपकी बात बराबर होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जितने भी लोग यहाँ आए हुए BJP
और देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। और हाथ नहीं लाओ। उत्तर प्रदेश की जनता ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है बीजेपी के लिए, और बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होने जा रहा है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, परेशान है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते जनाधार और जिस तरीके का स्वीकारता हर जाति वर्ग धर्म में माननीय अखिलेश यादव जी की बड़ी है, उससे बीजेपी परेशान है। नाना प्रकार के षड्यंत्र उनके खिलाफ रचने का काम कर रही है, छवि खराब करने का काम कर रही है, लेकिन ये अभी छापा डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी पे छापा डालने का काम करेगा, इनकी जमानत जब्त कराने का। ये बताइए, बुआ और बबुआ के शासन काल में आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था, ऐसा अमित शाह ने कहा है, ऐसा लगता है आपको? उनके पास उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को नौकरी देने का कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई नौकरी नहीं दे पाए, दलितों को आरक्षण नहीं दे पाए, और सामान्य वर्ग के लोग नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, किसानों की आय नहीं दुगनी कर पाए। इन्होंने लाशों के कुंभ लगवाने का काम किया है, लाशों के कुंभ एक देखा होगा कोरोना काल में। और जिस तरीके से हर मोर्चे पे विफल सरकार, पांच गुंडा राज, जंगल राज है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आज इलाहाबाद में ही देखा होगा, चार लोगों को गोली मारने का काम किया गया। आप गोरखपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अपहरण उद्योग खुला हुआ है, अपहरण हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग, व्यापारी मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों को रात में पेट्रोल डाल के दलित समाज की बेटी को हाथरस में जलाने का काम प्रशासन ने किया, उन्नाव में बेटी को जलाने का काम किया गया। और इनके विधायक बलात्कार करने वाले लोग हैं, ये गुंडे और बदमाशों की सरकार है। इनके मंत्री, गृह मंत्री, जिस तरीके से किसानों को कुचलने का काम उनके बेटे ने किया है, आज तक सरकार बर्खास्त नहीं की गई। ये बताइए, ये सरकार ने नहीं बर्खास्त किया, ये गुंडों की सरकार है, पत्रकारों को धमका रहे हैं, और जो सच्चाई दिखा दे उसके यहाँ छापा। भारत समाचार के यहाँ मैंने देखा छापा पड़ गया, दैनिक भास्कर के यहाँ छापा पड़ गया, जो पत्रकार सच्चाई दिखाए उसको जेल भेज रहे हैं। ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, ये अघोषित इमरजेंसी है। इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। अब इनको कोई नहीं बचा सकता, ना CBI बचा सकती, ना इनकम टैक्स बचा सकती, ना ED बचा सकती, और बीजेपी के नेता और बीजेपी पार्टी में तो हैसियत ही नहीं है। नेता जी ये बताइए, आपकी पार्टी के दो नेता हैं, उनकी जुबान बड़ी फिसल रही है, OP राजभर हैं और दुर्गा प्रसाद यादव, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को इस बार उखाड़ फेंकना है। अरे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं फूलन देवी के खिलाफ